हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड के बारे में बताने वाला हूँ। काफी लोग बॉलिंजर बैंड को अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, बट उसको मैं कैसे ट्रेड करता हूँ मैं आपको बताऊंगा। और यूजुअली मैं बॉलिंजर बैंड को ब्रेकआउट की तरह यूज करता हूँ। काफी लोगों का यह मानना है कि अगर कोई स्टॉक है जो बॉलिंजर बैंड के ऊपर जा रहा है तो वहां से रिवर्सल आएगा, या अगर नीचे आ रहा है तो वहां से ऊपर का रिवर्सल आएगा, बट ये काफी बार देखा गया कि नहीं होता है। इनफैक्ट बॉलिंजर बैंड आपको ब्रेकआउट बहुत अच्छे से बता पाता है, तो मैं आज आपको काफी एग्जांपल्स दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि कब बॉलिंजर बैंड को यूज नहीं करना चाहिए। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है। बॉलिंजर बैंड एक तरह का वॉलिटिलिटी इंडिकेटर है। उसमें तीन लाइनें होती हैं, एक तो मिडिल लाइन हो गई जो कि एक तरह से मूविंग एवरेज होता है, और उसके बाद एक अपर लाइन होती है, एक लोअर लाइन होती है। जो अपर और लोअर बैंड है वो हमारे को दिखाते हैं कि कितनी वॉलिटिलिटी है ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अब ये माना जाता है कि अगर जो स्टॉक है वो बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाली लाइन के ऊपर चला गया है तो वहां से उसके रिवर्सल के चांसेस है और वहां से नीचे आकर वापस अपनी मिडिल लाइन को टच कर लेगा। या फिर अगर स्टॉक लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे चला गया है तो वहां से वो ऊपर जाके रिवर्सल ले सकता है। बट जैसे मैंने बोला, ये हमेशा नहीं होता है। काफी बार आप नोटिस करोगे कि अगर कोई स्टॉक ट्रेंडिंग है तो अगर हम इस तरह की ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाएंगे। तो इनफैक्ट बॉलिंजर बैंड को हमारे को कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना, वो मैं आपको पूरे एग्जांपल दिखाऊंगा ऑन द लैपटॉप। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये इंडिकेटर यूज कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, और यहाँ पर मैंने बॉलिंजर बैंड को ऐड कर लिया है। सो लेट मी शो यू कि इसको ऐड कैसे करते हैं। आप यहाँ पर इंडिकेटर्स पे जा सकते हैं, यू कैन टाइप बॉलिंजर बैंड्स, एंड जैसे आप टाइप करेंगे ये इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। आई यूजुअली यूज द जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, मतलब अगर मैं इसकी सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ तो लेंथ 20 एंड मल्टीप्लाई 2, मतलब ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक का ये मतलब वॉलिटिलिटी दे रहा है। एंड लेंथ 20 में जो मिडिल लाइन है वो 20 SMA की तरह काम करेगी। सो जैसे मैंने बताया था आपको कि ये जो लेवल्स हैं, काफी बार ये माना जाता है कि अगर कोई स्टॉक है या कोई इंडेक्स है अगर वो ऊपर के लेवल पे जा रहा है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो अगर वो किसी ऊपर के लेवल पे जा रहा है लाइक हियर, मे बी लाइक हियर, तो वहां से उसके रिवर्सल के चांसेस है, मतलब वो ऊपर से आके नीचे गिर जाएगा। एंड अगर कोई कैंडल नीचे के लेवल को तोड़ रही है, मतलब जैसे अगर हम इस रेड कैंडल को देखते हैं तो यहां से ही ऊपर जाने के इसके चांसेस है, मतलब एक रिवर्सल इंडिकेटर की तरह काफी उसको यूज करा जाता है। बट मैं आपको यहीं पे भी दिखा सकता हूँ कुछ एग्जांपल कि हमेशा नहीं चलता है, बिकॉज अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी ये जो कैंडल्स हैं, इवन हियर ये जो कैंडल है ये ऊपर वाले लेवल को उसने तोड़ा था, बट उसके बाद रिवर्सल नहीं आ रही, ऊपर ही चलती चला गया। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड लेता तो मेरे को लॉस हो जाता। तो इसलिए इंपॉर्टेंट से समझना कि हमें बॉलिंजर बैंड कब यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर काम आता है स्क्वीज का। स्क्वीज का मतलब है कि अगर जो आपका बॉलिंजर बैंड का जो लेवल है, मतलब जो ऊपर वाली लाइन है ये वाली लाइन और जो नीचे वाली लाइन है, अगर ये बहुत मोटी है, मतलब इनके बीच में काफी जगह है, तो वहां से रिवर्सल आने के चांसेस हैं और तब मैं एक रिवर्सल एंट्री लूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखता हूँ, यहाँ पे नीचे गया बट क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड काफी वाइड हो गया था इसने एक रिवर्सल दे दिया। बट अगर हम लोग को बहुत टाइट बॉलिंजर बैंड मिल जाता है, मतलब एक स्क्वीज्ड बॉलिंजर बैंड मिल जाता है, तो वहां पर हम रिवर्सल ट्रेड नहीं लेंगे, वहां पर हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पर मैं आपको टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का एग्जांपल दिखा रहा हूँ एंड ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। लेट मी शो यू कि स्क्वीज कहाँ दिख रहा है, यू विल सी अ क्लियर स्क्वीज हैपनिंग। एंड अगेन आई एम शोइंग यू ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, और मैंने जो बॉलिंजर बैंड है उसकी सेटिंग्स को चेंज नहीं किया है। सी दिस नाउ, यू कैन क्लियरली सी कि इस समय ये जो बॉलिंजर बैंड है बहुत ही ज्यादा स्क्वीज हो गया है। इफ यू सी हियर, इस पूरे के पूरे रीजन में, मतलब फॉर फ्यू डेज बॉलिंजर बैंड इज एक्सट्रीमली स्क्वीज, मतलब बहुत ही पतला चल रहा है। जब इस तरह का हमारे को कभी भी बॉलिंजर बैंड दिखता तब हम रिवर्सल ट्रेड नहीं लेते, वहां पर हम ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं। अब फायदा क्या है ब्रेकआउट ट्रेड लेने का, बिकॉज अगर मैं ब्रेकआउट ट्रेड लेता हूँ और अगर ब्रेकआउट आते तो बहुत अच्छा मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, मतलब 1:4, 1:5, 1:10 का भी मिल जाता है। बट आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैं रिवर्सल ट्रेड लेता हूँ तो इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता है। सो इफ यू सी हियर, लेट मी जस्ट गो इन अ लिटिल बिट। तो अगर मैं इसको जूम करता हूँ, आप नोटिस करेंगे कि इसने यहां पर कहीं ब्रेकआउट दिया। सो इट गेव द ब्रेकआउट समवेयर हियर, जो ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मतलब स्क्वीज करने के बाद बॉलिंजर बैंड को इसने ऊपर की तरफ तोड़ा है। तो मैं यहां पे ब्रेकआउट ट्रेड लूंगा, मतलब मैं बाइंग एंट्री करूंगा यहां पर, बिकॉज ब्रेकआउट हो चुका है, स्क्वीज टूट चुका है। एंड देन यू कैन क्लियरली सी आफ्टर द ब्रेकआउट इट वेंट अप रियली हाई, मतलब
1:6, 1:7 तक का इसने रिजल्ट दिया है। तो जैसे मैंने बोला बॉलिंजर बैंड अगर स्क्वीज हो रहा है, मतलब वो बहुत पत्ता चल रहा है, तब मैं जहां भी जिस भी तरफ उसका ब्रेकआउट आ रहा है मैं उस तरफ का ट्रेड ले सकता हूँ। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तो यहां पर मैं आपको AGS ट्रांजैक्ट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम। नाउ अगेन लेट्स सी कि कहीं स्क्वीज आ रहा है कि नहीं। सो लेट्स गो फॉर अ लिटिल स्क्वीज अगेन। आई वॉन्ट गुड स्क्वीज। ओके नाउ यू कैन सी अ गुड स्क्वीज हैपनिंग हियर। So if you see again, you can see clearly that a squeeze has happened. ये जो level है, ये जो पूरा का पूरा zone है, during this time, Bollinger Band was completely squeezed out. मतलब यहाँ पर अब जैसे ही breakout आता है, मेरे को एक अच्छी entry मिल सकती है. This is where it gave the breakout, जो आप देख रहे हैं, and उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे थोड़ा, it kept going up. So काफी बार आप notice करेंगे कि जब Bollinger Band बहुत squeezed होता है, मतलब बहुत पतला चल रहा होता है, और उसके बाद breakout आता है, जिस भी direction में breakout आता है, वहां पर हमारे को एक अच्छी एंट्री मिल सकती है और हमारे को बड़े बड़े टारगेट्स का चांस मिल जाता है। अब मैं आपको थोड़े बड़ा टाइम फ्रेम दिखाने वाला हूं। आई एम शोइंग यू अ डेली टाइम फ्रेम नाउ। ऑलवेज रिमेंबर कि जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा सक्सेस के भी चांसेस रहेंगे। सो आई एम शोइंग यू IRFC ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ऑब्वियसली क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो अगर यहां पर स्क्वीज टूटा तो बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। आप अगेन इफ यू सी हियर ड्यूरिंग दिस टाइम, इफ आई जस्ट जूम आउट अ लिटिल बिट, ड्यूरिंग दिस टाइम मतलब मैं कहूंगा यहां से लेकर यहां तक For few months, Bollinger Band बहुत squeeze में चल रहा था, right? बहुत पतला चल रहा था, but जब यहाँ पर उसने breakout दिया है, when it gave that breakout, मतलब उसने upper Bollinger Band को तोड़ दिया, then we could have taken a breakout trade, मतलब upside direction का trade ले सकते थे हम, and again you can see after the breakout, it went up really high, मतलब almost 40 rupees से ये almost 95 के आसपास चला गया, मतलब almost 2.5 times चला गया in a matter of 1 month. So that is a power of breakout strategies because usually जैसे मैंने बताया कि अगर हम यहाँ पे एक reversal trade लेते तो छोटा सा profit लेते हैं, maybe 2-3-4 points का, but अगर हम breakout trade ले रहे हैं तो हम लोग 100% type का भी हम यहाँ पर अपना return के expectation रख सकते हैं। Let me take one more example और इसमें मैं आपको और भी बड़ा time frame दिखाने वाला हूँ, weekly time frame। और अगर इसमें squeeze के बाद breakout आ गया तो obviously बात है कि जो मेरा probability का success है, मतलब success की जो probability काफी अच्छी रहने वाली है। So let's take an example, आपको already squeeze दिख गया होगा। So if you see here, Bollinger Band was completely squeezed out. तो करीब यहां से अगर मैं देखता हूं, so Bollinger Band was completely squeezed out. That means I am waiting for a breakout now. अब या तो ऊपर की तरफ breakout आ जाए, नीचे की तरफ breakout आ जाए। अगर obviously नीचे की तरफ breakout आएगा तो मैं short करूंगा, but क्योंकि मैं stocks में नहीं कर सकता तो मुझे इसमें futures में trading करनी पड़ेगी। But in this case, I am getting a breakout here on the upside again. जब MASDAQ was around 350 rupees. And you can see after the breakout, it went up in a matter of few months to almost 900. मतलब almost again 3 times की movement आ गई थी केवल 2-3 महीने। So इतनी बड़ी movement क्यों है? क्योंकि हम लोग अब weekly time frame use कर रहे हैं। तो जितना बड़ा time frame उतने बड़ा हम अपना reward का chance रख सकते हैं। So this is how you can take the entry. यहाँ पर मैं जल्दी से आपको थोड़ा अपने stop loss के बारे में बता देता हूँ। So usually मैं दो तरह के stop loss रख सकता हूँ। मैं initial जो stop loss है मैं अपना lower Bollinger Band रख सकता हूँ। So अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, so my initial stop loss can be the lower Bollinger Band, मतलब जो भी lower Bollinger Band की value है मैं वहाँ पर अपना stop loss रख के trade कर सकता हूँ। और एक बार मेरे को 1:1 का target मतलब achieve हो चुका है, तब मैं क्या करूँगा, अपने जो stop loss है उसको shift करके मैं इस middle line पे ले आऊँगा और फिर मैं इसके साथ इसको trail करता चले आऊँगा। so you can see मैं trail कर रहा हूँ and यहाँ पर कहीं मेरा exit हो जाएगा। so Bollinger Band का एक बहुत अच्छा फायदा ये भी मिलता है हमारे को कि एंट्री तो अच्छी मिली रही है, बट हमारे को इसी को यूज करके वी कैन फाइंड आउट आवर इनिशियल स्टॉप लॉस और फिर हम ट्रेडिंग भी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए Bollinger Band की जो स्ट्रेटजी है कंप्लीट स्ट्रेटजी, बिकॉज हमारे को एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप टारगेट भी लगाना चाहें तो जैसे मैंने बोला, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आप कम से कम 1:4 पे टारगेट लगा के इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो कैसे लगी आपको आज की स्ट्रेटजी? हमने देखा कि कैसे हम Bollinger Band को यूज करके बहुत अच्छे अच्छे ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। बट इंपॉर्टेंस ये है कि उससे पहले जो Bollinger Band है वो काफी स्क्वीज हो जाना चाहिए, मतलब जो अपर और लोअर बैंड है वो बहुत पास चल रहे होते हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारे को एक बहुत अच्छी एंट्री मिलने के चांसेस रहते हैं, जहां पर हम 1:4 या 1:5 का भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर आपको आपकी स्ट्रेटजी पसंद आई तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, नीचे जरूर कमेंट्स भी दें एंड प्लीज सब्सक्राइब ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो आगे मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.